कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? फ्रेंड्स, इसको ना बहुत ज़्यादा बुखार है, बहुत ज़्यादा तेज। देखिए आँख इसका कैसा हो गया है, पानी पानी हो गया है, खुद से ना पानी खुद से पानी निकल रहा है आँखों से। ये बुखार, बहुत ज़्यादा बुखार है इसको। देखिए ये आँखों में ये पानी खुद से निकल रहा है, यहाँ पे। और वो रो नहीं रहा है, इसको इतना हीट है इसका शरीर कि मतलब खुद से निकल रहा है। दवाई दिए हैं, दवाई देकर अभी गरम चाय दिए हैं। गले में थोड़ा बहुत इन्फेक्शन है, सर्दी बुखार दोनों है। तो इसको चलो ये दो ठो इसको ओढ़ाए हैं। देखिए ऐसे सर्दी हो गया है, ये वाला ओढ़ाए हैं और ये वाला ओढ़ाए, दो ओढ़ा करके इसे सुला देंगे। सो जा बेटा, सो जा, सो जा। ये दो बार तीन बार ओढ़ ले, गर्म हो जाए। अब फिर भी ना देखो ये देख रहा है टीवी। बुखार आ जाए फिर भी बच्चों को टीवी नहीं छोड़ना, ये कार्टून देखते हैं। है? कार्टून है? पापा आएंगे बोले हैं ना कि आ रहे हैं। बोलो क्या करें, लगता है कि जल्दी से ठीक हो जाए। एक पाए इसको फीवर चढ़ गया, इतना तेज, इतना तेज कि ये हॉस्टल में रहता है और हॉस्टल में से लेकर आना पड़ा। इसके सर बोले कि आपके बच्चे का तबीयत ख़राब है, तो वहाँ पे वो लोग सर जो हैं इसके हेडमास्टर, वो सुई और दवाई दे दिए थे। ये देखिए हम इसके पैर में इस तरह से कर रहे हैं। घर्रा मार रहे हैं, आराम मिलता है पता। बस जल्दी से ठीक हो जाए बच्चा अपना। ये देखो कैसे किस कैसे लग रहा है। मुंह सूजा हुआ है, आँख से पानी निकल रहा है, बुखार मतलब बहुत ज़्यादा हो गया है। तो चलिए बनाते हैं खाना, और कुछ भी हो जाए खाना तो खाना ही पड़ेगा। इस दाल देखिए, दाल बना दिए, दाल में प्याज टमाटर और मसाले दे करके, नमक वमक दे करके बना दिए थे। और देखिए खाना हमारा रेडी हो गया है, और खाने के लिए अब ले जा रहे हैं खाना खिलाने। देखिए पेट कहाँ मानता है। और हाँ, बीमारी हो जाए आपको तो खाना भी खाना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो आप बीमारी आपको ज़्यादा परेशान करेगी। ताकत मिलती है खाना खाने से। तो देखिए यहाँ पर मैं खाना खिला दूँगी बच्चे को, और ये टीवी देख के खाना खा रहा है, और ये हैं ये भी खाना खा रहे हैं। उनका तेल लगा था, सिर दर्द कर रहा था, बुखार में बदन भी दर्द करता है, सिर भी दर्द करता है, तो इसको बढ़िया लगता हो हिम गंगे तेल लगा करके तेल लगाते हैं।
और यहाँ पे जा रहे हैं, इधर नॉर्मल हो गया थोड़ा सा, तो दवाई लेने के लिए फिर से दिखाने के लिए डॉक्टर के पास जा रहे हैं। तो इंजेक्शन इंजेक्शन दियाएगा और दवाई वाई खाने के लिए बिस्कुट बिस्कुट रहता है तो अच्छा रहता है, दो चार बिस्कुट खा करके दवाई खा लेते हैं बच्चे। और यहाँ पे शाम हो गई है, यहाँ पे अंडा लेकर आए थे उधर से, 12 अंडा था तो दो दो अंडा खा लिए थे और 6 अंडे रख दिए थे, मसाला बना करके खाएंगे शाम को। शाम हो ही गया था दवाई लेकर आते आते, तो देखिए यहाँ पे दवाई लेकर आ गए हैं और पीने का दवाई है सर्दी का सिरप, तो वो भी लेकर आए हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा अंडा अंडा बना लिए हैं, तो फिर यहाँ पर खाना परोस रहे हैं खाने के लिए। देखिए परेशानियाँ तो आती जाती रहती है ज़िंदगी में, उतार चढ़ाव तो ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, ज़्यादातर ख्याल रखना चाहिए, ज़्यादा मतलब सैड होने से कोई मतलब नहीं है। अब वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और देखिए यहाँ पर बच्चे को सिरप पिला रहे हैं सर्दियों का, तो देखिए पी रहा है, ये तकलीफ़ होता है दवाई वाई पीने में। देखिए बच्चे तो जैसे तैसे करके डांट फटकार देते हैं तो बच्चा पी लेता है, पर बड़े की बारी जब आती है तो वही नहीं खा पाते हैं, फिर भी खाना पड़ता है पीना पड़ता है दवाई। ये देखिए ये कैसे कर रहा है चलो अच्छा हो गया है, नॉर्मल हो गया है। तो मिलते हैं, बाय बाय।